हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि रियलमी के फ़ोन पे आप लोग वॉलपेपर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर मेरा ये वाला वॉलपेपर लगा हुआ है, तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर सेटिंग को ऑन कर लेना है। सेटिंग को ऑन करने बाद देखिएगा, इस यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हैं वॉलपेपर का ऑप्शन हम लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर वॉलपेपर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। वॉलपेपर के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पर माई फोटोज़ और ऑन डिवाइस वॉलपेपर। मतलब अगर आप ऑन डिवाइस वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो डिवाइस के वॉलपेपर से वो वॉलपेपर शो हो जाएंगे यहाँ पर। और अगर आप लोग यहाँ पर माय फोटोज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, और गैलरी का भी जो भी फोटोज़ है वो आप लोग वॉलपेपर में लगा सकते हैं। तो जैसे कि मेरा तो गैलरी पर फ़ोटोज़ नहीं है, तो मैं यहाँ पर ऑन डिवाइस वॉलपेपर पर क्लिक कर दूँगा। ऑन डिवाइस वॉलपेपर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा वॉलपेपर आ गया है। तो जैसे कि मैंने ये वाला वॉलपेपर क्लिक कर दिया है। क्लिक कर देने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पर राइट का ऑप्शन आ गया है। तो हम लोग राइट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर फिर देख सकते हैं होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, और इसके नीचे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। मतलब अगर आप होम स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आप सिर्फ ये वाला वॉलपेपर आपका होम स्क्रीन पे सेट होगा। तो अगर लॉक स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे तो सिर्फ लॉक स्क्रीन पे सेट होगा। तो अगर सबसे नीचे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन अगर आप इस पे सेट करेंगे तो आपका ये वाला वॉलपेपर दोनों पे ही सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉलपेपर सेट सक्सेसफुली। तो मेरा वॉलपेपर सेट हो गया है, ये वाला देख सकते हैं होम स्क्रीन पर और ये वाला लॉक स्क्रीन पर, तो दोनों पर सेट हो चुका है। तो आप लोग भी ऐसे करके वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं, अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।